हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हम अपनी PT365 क्वालिटी की मैगजीन कर रहे थे, तो इसमें हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स आ चुके हैं। तो चलिए हम आज इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है, सिक्स शेड्यूल विच इज कवर्ड अंडर द सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, तो गाइस ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी क्या हुआ है, जो अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल प्रदेश की जो असेंबली है, उन्होंने क्या किया, अननमिसली क्या होता है, मतलब कि उस असेंबली ने सभी लोग एग्री होकर उन्होंने क्या किया, एक रिजोल्यूशन पास किया फॉर द एंटायर स्टेट कि अरुणाचल प्रदेश के स्टेट को सिक्स शेड्यूल के अंडर क्या कर लेना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। फाइन, अब हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं सिक्स शेड्यूल है क्या। फाइन, देखो गाइस, आई होप आपको पता होगा क्योंकि अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको एटलीस्ट जो 12 शेड्यूल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फाइन, सिक्स शेड्यूल क्या है, जो हमारे सिक्स शेड्यूल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज को पावर देता है कि वो आप अपने ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और इसके अंदर मेनली 4 स्टेट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, स्पेशली असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इवन के जो फिफ्थ शेड्यूल है वो भी ट्राइबल कम्युनिटीज को जो शेड्यूल एरियाज हैं उनको पावर देता है, लेकिन जो सिक्स शेड्यूल है वो बेसिकली इन 4 एरियाज को पावर देता है कि आप अपने जो एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने ट्राइबल एरियाज को। कौन कौन से हैं वो 4 एरिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो किस प्रोविजन के अंडर कवर है, अंडर 244 क्लोज 2 एंड 275 क्लोज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, हम देख सकते हैं कौन से नॉर्थ ईस्ट एरियाज हैं जो एज एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर्ड है। फाइन, असम में जो रजिस्टर्ड एज एन ऑटोनोमस है वो है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, कार्बी अंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल एंड डीमा हसाओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसके अलावा जो मेघालय में वो है गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जयंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। फाइन, त्रिपुरा में है वो है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मिजोरम में जो है वो है चाकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये 4 जो एरियाज हैं उनमें ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं वो कवर है। पर देखो, जो आर्टिकल 244 है वो क्या करता है, एक स्पेशल सिस्टम प्रोवाइड करता है किस तरह से आप सर्टेन एरियाज को एडमिनिस्टर कर सकते हैं जो डेजिग्नेटेड है एज शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल। सिंपल बात ये कि आर्टिकल 244 के अंदर आप क्या कर सकते हो, किस तरह से एडमिनिस्टर कर सकते हो उन एरियाज को जो रजिस्टर्ड है एज अ शेड्यूल एरियाज और द ट्राइबल। इसके अलावा जो आर्टिकल 275 है वो कुछ स्टेचुटरी ग्रांट्स के प्रोविजन है, मतलब कि आप क्या करते हो, इन एरियाज को कुछ पैसा दे सकते हो फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस ग्रांट को आप कहाँ यूज कर सकते हो, सो दैट हम शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए काम कर सके या फिर वहाँ के एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल रेज कर सके, इन सब की बात करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 244 में हम क्या करते हैं, मेनली उन सर्टेन एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, और आर्टिकल 275 के अंदर हम क्या करते हैं, इन जो शेड्यूल एरियाज है इनको कुछ ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जरा और पढ़ते हैं, अगर हमें अरुणाचल प्रदेश को सिक्स शेड्यूल में ऐड करना हो तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा। फाइन, तो ये याद रखना, सिक्स शेड्यूल के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा, लेकिन आउटसाइड आर्टिकल 368। ठीक है, देखो गाइस, मैंने आपको उस दिन डिस्कस किया था, हम देखो कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरह से अमेंड कर सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी और रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। लेकिन गाइस, जो आर्टिकल 368 के अंदर हम सिर्फ 2 तरह से अमेंड कर सकते हैं, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी और आइदर बाय द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। फाइन, इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है जो कि आर्टिकल 338A के अंदर है, वो रिकमेंड कर रही है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। देखो गाइस, ये हमने PT365 2020 की जब कही थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है उसको भी सिक्स शेड्यूल में ऐड करने की बात की जा रही है, और ये रिकमेंड कौन कर रहा है, नेशनल कमीशन ऑफ फोर शेड्यूल ट्राइब्स कर रहा है कि वो चाह रहा है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है उसको भी ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करना चाहिए अंडर द सिक्स शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस तरह जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या करता है, एग्जेम्प्ट कर रहा है सिक्स शेड्यूल एरियाज को एंड इन अ लाइन परमिट एरियाज को। फाइन, अब हम जरा थोड़ा और पढ़ते हैं ये न्यूज में क्यों था। देखो अभी क्या बैकग्राउंड क्या है, पहले हम बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, इससे पहले कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब कि जो अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है, उन्होंने डिमांड किया कि देखो अभी मैंने आपको बताया कि कुछ शेड्यूल एरियाज को हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं, जैसे आर्टिकल 371 से लेकर आर्टिकल 371G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन है 11 स्टेट्स के लिए। ठीक है, इवन कि इसमें महाराष्ट्र, गुजरात जैसे एरिया भी है। फाइन, तो आर्टिकल 371 से लेके आर्टिकल 371J तक कुछ स्पेशल प्रोविजन है 11 स्टेट्स के लिए, सो दैट हम उन एरियाज की या फिर उन स्टेट्स के कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, या फिर वहां पर रहने वाले ट्राइबल और लोकल पीपल के कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, और हम उनको डील कर सके विद द डिस्टर्ब लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन इन सम पार्ट ऑफ द स्टेट। फाइन, तो कुछ एरियाज हैं जिन जो किसके अंडर है, आर्टिकल 371 के अंडर है, और उसके अंदर क्या है, हर एक उन 11 स्टेट्स के लिए आर्टिकल 371A से लेकर आर्टिकल 371J में उनके लिए प्रोविजन है। फाइन, तो इसी तरह क्या है, अरुणाचल प्रदेश का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 371 क्लोज एच में है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि हमें आर्टिकल 371 क्लोज
एच में से हटा के हमें क्या करो, अरुणाचल प्रदेश को प्रोविजंस के अंडर डालो ऑफ आर्टिकल 371A या फिर 371G के प्रोविजंस के अंडर डालो, जो किस प्रोविजंस के साथ है, मतलब कि जो प्रोविजन नागालैंड को मिले हुए, मिजोरम को मिले हुए, वही प्रोविजंस हमें दो, फाइन। तो अरुणाचल प्रदेश की ये डिमांड है, ठीक है। आर्टिकल 371A और जो आर्टिकल 371G है वो स्पेशल प्रोटेक्शन देती है किन को, विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस या कस्टमरी लॉज या राइट टू ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ लैंड किन को, ट्राइबल पीपल को। ऑफकोर्स गए ये सब हम जो पढ़ रहे हैं वो ट्राइबल पीपल का ही पढ़ रहे हैं, तो आपको जो प्रोटेक्शन देगा या जो उनके रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस या कस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, तो वो किन के प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ट्राइबल पीपल कर रहे हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ नागालैंड मिजोरम। देखो 371A के अंडर नागालैंड को का प्रोविजन आता है और आर्टिकल 371 क्लोज जी के अंडर मिजोरम का प्रोविजन आता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश कह रहा है कि हमें वैसे सेम प्रोविजन दो जैसे आपने नागालैंड और मिजोरम को प्रोविजन दिए गए। फिर आर्टिकल 371 क्लोज एच में क्या है, स्टेट गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दैट स्टेट, सो दैट क्या कर सकता है वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, फंक्शन कर सकता है। एट प्रेजेंट जो अरुणाचल प्रदेश है वो क्या है, वो एट बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873 है जो सभी सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोहिबिट करता है कि आप अरुणाचल में विदाउट इनर लाइन परमिट एंट्री नहीं कर सकते। कोई ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनर लाइन परमिट हमने पीटी 365/2020 में डिस्कस करें। देखो कुछ सर्टिन एरियाज आते हैं, जैसे आपके पास क्या, आपके पास फंडामेंटल राइट है कि आप राइट टू मूवमेंट है, आप कहीं भी मूव कर सकते हो, इंडिया के किसी भी स्टेट में मूव कर सकते हो। इवन आपके पास ये भी राइट है, राइट टू डिसाइड, आप किसी भी स्टेट में डिसाइड कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि जो स्टेट है वो कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है अगर उनको किसी पर्टिकुलर सेक्शन को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो इनर लाइन परमिट के मिले ना नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स के लिए, अगर आपको वहां पे एंटर करना है, लाइक अगर आपको घूमने के लिए जाना है या आपको वहां पे कुछ दिन के लिए रहने के लिए जाना, जैसा भी हो, तो आपको वहां एंट्री के लिए आपको इनर लाइन परमिट पहले लेनी होगी। लाइक आप अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो आपको वीजा लेना पड़ता है ना, तो उसी तरह क्या है, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जाना पड़ेगा तो आपको इनर लाइन परमिट लेनी पड़ेगी, ठीक है। इनर लाइन परमिट एक डॉक्यूमेंट है जो किसी भी इंडियन सिटीजन को अलाउ करता है कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट्स में विजिट कर सकती है, स्टे कर सकती है, जो कि प्रोटेक्टेड है अंडर ILP सिस्टम। ये ब्रिटिश इरा का रेगुलेशन था जो किसके अंडर है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, ताकि जो वहाँ की जो स्टेट्स है वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, राइट। अभी कौन कौन स्टेट है जो ILP के अंडर कवर है, एक तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और वो और साथ में उसके बाद मणिपुर को भी ऐड किया गया था, ये पिछले साल ऐड किया गया था 2019, ठीक है, तो आपको याद रखना। तो इससे जो अरुणाचल प्रदेश है वो अभी इस एक्ट के अंडर है क्योंकि इसको हमने ILP के अंडर प्रोटेक्शन दे रखा है। ILP सिंपल क्या है, अगर आपको यहाँ पे इस स्टेट में जाना है, स्टे करना है, तो आपको डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, सो ये प्रोटेक्टेड है, जो स्पेशली किन चार स्टेट्स के लिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर, ठीक है। और ये जो ILP है वो कौन इशू करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, राइट। अगर फॉरनर्स को वहाँ जाना है तो फॉरनर्स को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट सिटीजन ऑफ भूटान, अगर उनको इस में मतलब कि इन एरियाज में जाना है तो उनको जो लेना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या फिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ेगा फ्रॉम दैट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब कि इंडियंस को इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा और जो फॉरनर्स को क्या लेना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या फिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, ये उनको डॉक्यूमेंट लेना होगा, फाइन। आई होप अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम जरा आगे पढ़ लेते थोड़ा। देखो सिक्स शेड्यूल के क्या एडवांटेजेस हैं, अभी हमने देखा चार स्टेट्स हैं जो कि सिक्स शेड्यूल के अंदर है, तो उनको क्या एडवांटेज है। सबसे पहले क्या है, उन सबकी अपनी अपनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, हमने ये भी पढ़ लिया कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से एरियाज हैं जो उसमें कवर है, ठीक है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या होता है, 26 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और चार जो मेंबर्स होते हैं वो गवर्नर नॉमिनेट करती है 5 साल के टर्म के लिए। वो ऑटोनोमस रीजन होते हैं, मतलब कि वो क्या है, गवर्नर अपने आप डिवाइड कर देता है अमंग डिफरेंट शेड्यूल ट्राइब। इसके अलावा क्या होता है, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उनके पास कुछ पावर्स भी होते हैं। कैसी पावर होती है, एक तो लॉ मेकिंग की पावर होती है, मतलब वो क्या कर सकते हैं, कोई भी लॉ बना सकते हैं लेकिन गवर्नर का अप्रूवल चाहिए होगा। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, जो भी सेंटर और स्टेट के जो एक्ट्स हैं या जो लॉज बनते हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पर्टिकुलर एरिया में ये जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये भी गवर्नर की अप्रूवल से ही वो क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, राइट। टैक्स रेवेन्यू, इनके अलावा क्या होता है, जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनको ग्रांट मिलता है, मैंने आपको बताया अंडर आर्टिकल 270 और ये क्या कर सकते हैं, कुछ अपने पर्टिकुलर एरिया में टैक्स को कलेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। रेगुलेटरी पावर्स भी होते हैं, इनके बता देखिए, स्कूल्स को खुद रेगुलेट कर सकते हैं, वहाँ के डिस्पेंसरीज को ही रेगुलेट कर सकते हैं, मार्केट्स को रेगुलेट कर सकते हैं, रोड को रेगुलेट भी कर सकते हैं। जुडिशरी क्या पावर्स होती है, इनके वहाँ पे विलेज कोर्ट्स होते हैं सो दैट ट्राइबल केसेस को वो एड्रेस कर सके। हाई कोर्ट की जुडिशिक्शन भी होती है जो कि स्पेसिफाइड बाय गवर्नर होती है, राइट। अब हम तेरह फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। देखो एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको बताया, फिफ्थ शेड्यूल में भी शेड्यूल एरियाज को हम मतलब कि एडमिनिस्टर करते हैं, सिक्स शेड्यूल में मेनली चार ट्राइबल एरियाज के, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल कुछ कहाँ कहाँ लागू होता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़,
हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। मैंने आपको भी बताया ना कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट भी ऐसे, और सिक्स शेड्यूल ओनली 4 स्टेट्स के लिए लागू होता है, दैट इज द AMTM। मैं काफी पर डिस्कस करती हूँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, कौन से क्रिएशन, देखो ये जो क्रिएट हुआ था बाय एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर क्रिएट हुआ है, जबकि ये जो सिक्स शेड्यूल ये जो क्रिएट हुआ है बाय द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ऑटोनॉमी क्या है, इसमें जो एक्ट लगता है वो पेसा एक्ट लगता है, पेसा दैट इज द पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। इसके अंदर क्या है, वो ग्राम सभा के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेल्फ गवर्न कर सकते हैं जो पीपल फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में रहते हैं, जबकि जो सिक्स शेड्यूल में जो एरियाज हैं उन लोगों को ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है एज कम्पेयर टू फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल के जो ट्राइबल एडवाइसरी काउंसिल है उनके पास सिर्फ एडवाइसरी पावर्स होती है, इसके अलावा जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इनके पास पावर्स ज्यादा है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी है, रेगुलेटरी पावर्स भी है, टैक्स रेवेन्यू पावर्स भी है और जुडिशरी पावर्स भी है। राइट, तो ये कुछ का डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे, बोरिंग पावर्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था, रिसेंटली क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो स्टेट्स की बोरिंग लिमिट है उनको इंक्रीज कर दी है। क्या, कितनी इंक्रीज करिए, 5% इंक्रीज करती है टू फ्रॉम 3%। मतलब कि पहले सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सिर्फ 3% बोरो कर सकती थी, लेकिन अब उनकी जो बोरिंग लिमिट है उसको 5% तक इंक्रीज कर दिया ऑफ ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो आपको पता है जो हमारे इंडिया की क्या होती है, GDP होती है, और हर एक स्टेट के उसे क्या होता है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो जितना अगर जितनी भी उसकी स्टेट की जितनी GDP है उसका वो 5% क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है। फाइन, तो अब हम जरा देखते हैं कंपैरिजन ऑफ बोरिंग पावर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, देखो सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रोविजन सबसे पहले क्या है, जो बोरिंग पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे मेंशन है। ठीक है, तो सेंटर के पास अंडर आर्टिकल 292 पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है सेट बाय द पार्लियामेंट। मतलब कि पार्लियामेंट ने सेट कर रखे कि कितनी लिमिट में वो बोरो कर सकती है, उसके अंडर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो कर सकती है अंडर आर्टिकल 292। इसी के अलावा स्टेट में क्या है, अंडर आर्टिकल 292 प्रोविजन है कि स्टेट भी बोरो कर सकता है, और कितना बोरो कर सकता है, वही जितना स्टेट लेजिस्लेचर ने आपको लिमिट लगा रखी। ठीक है, मतलब कि हर एक चीज की लिमिट लगा रखी, क्योंकि अगर आप लिमिट नहीं लगाओगे तो वो तो बोरिंग करती रहेगी, और बोरिंग करेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा हमारा, तो फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लग सकती है भाई। ठीक है, डेफिसिट बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है अंडर आर्टिकल 292, और उसी तरह स्टेट भी जो बोरो कर सकती है अंडर आर्टिकल 292 कर सकती है। सेंटर की जो गवर्नमेंट की जो बोरिंग लिमिट है वो किसने लिमिट कर रखी है, पार्लियामेंट ने, जबकि स्टेट की जो बोरिंग लिमिट है वो किसने लिमिट कर रखी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, सेंटर कहीं से भी क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है, और क्या वो डोमेस्टिकली भी बोरो कर सकती है और अब्रोड भी बोरो कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ जो लोन ले सकते हैं वो डोमेस्टिकली ले सकते हैं, फॉरेन से नहीं ले सकते। अदर रिस्ट्रिक्शन, सेंटर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हाँ स्टेट पे रिस्ट्रिक्शन है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो स्टेट है, देखो आपको पता है इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, उसी तरह हर एक स्टेट का भी क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है, तो उससे बोरो कर सकते हैं लेकिन सिक्योरिटी में। इसके अलावा क्या है, वो लोन नहीं ले सकती इफ एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस लोन इज ड्यू टू द सेंटर। मतलब अगर आपने प्रीवियस जो लोन लिया वो अभी ड्यू है सेंटर पे, तो उसको जब तक आप पूरा नहीं करते तो आप लोन नहीं ले सकते। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए, एक होता है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। देखो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड क्या था, ये 1999 और 2000 में सेटअप किया गया था RBI के द्वारा, सो देट हम क्या कर सके, जो स्टेट्स हैं वो कुछ एक मिनट अपने यस देखो गाइस, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को 1999 में सेटअप किया गया था RBI के द्वारा, सो देट क्या कर सके, देखो गाइस जो स्टेट है वो भी कुछ मार्केट लोन्स देती है, मतलब लोन्स देती है मार्केट को, तो कभी कभी क्या है, वो उनका पैसा स्टेट के पास नहीं आता, तो उसको रिकवर करने के लिए क्या हुआ, ये कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को सेटअप किया गया। ठीक है, तो इट वॉज सेटअप बाय RBI टू मीट रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब क्या होता है, रिकवर करना उन मार्केट लोन्स को जो स्टेट्स ने दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो CSF है, दैट इज द कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, एक रिजर्व फंड है जो स्टेट्स के द्वारा क्रिएट किया गया, सो देट वो अपने डेब्ट ऑब्लिगेशन को क्या कर सके, अमोर्टाइज कर सके। रिसेंटली क्या, हाँ, फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को मेंटेन करती है, किसके साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, एज बफर्स फॉर रीपेमेंट ऑफ द लेवल। इस स्कीम के अंदर क्या, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नियर अबाउट अपने जो एनुअल डेब्ट लाइबिलिटीज है उसका 1.3% कॉन्ट्रीब्यूट करती है इस फंड में, सो दैट हम क्या कर सके, यहाँ पे पेमेंट मतलब कि इतना पैसा रख सके, सो दैट अगर फ्यूचर में ऐसी कोई मतलब कि मिस हैपनिंग हो जाए तो वहीं यहाँ से हम पूरी कर सकें। ठीक है, इनिशियली 11 स्टेट्स ने क्या किया था, सिंकिंग फंड को सेटअप किया था, लेकिन फिर 12th फाइनेंस कमीशन आया 2005-2010 में, इन्होंने कमेंट किया कि सभी स्टेट्स को सिंकिंग फंड्स होना चाहिए, सो दैट वो क्या कर सके, अगर आपके लोन कभी मतलब कि
कल आपने किसी को लोन ले रखा है और वो आपको पैसा वापस नहीं दे सकता, तो आप उसको क्या कर सके, वो जो पैसे हो उसको पूरे कर सको, इंक्लूडिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स, लायबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ नेशनल स्मॉल सेविंग फंड. ये जो फंड होता है उसको हम आउटसाइड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को मेंटेन करते हैं. मैं देखो गाइस, सिंपल बात ये है, जैसे आपके पास लाइक आपने बैंक में पैसा रखते हो, ठीक है, लेकिन आप कुछ अलग से पैसा रखते हो. वो पैसा अलग से क्यों रखते हो, कि कल को कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो मैं उसको यूज़ करूँ. तो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड एक तरह का ऐसा ही है. ये जो स्टेट के पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है उससे अलग होता है. ये इसलिए होता है सो दैट कल को कोई किसी ने अगर उसका पैसा वापस नहीं दिया, जो उनके लोन है वो वापस नहीं दिए, तो कम से कम यहाँ से वो अपना पैसा लेके क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा. ठीक है, ये फंड मेंटेन होता है आउटसाइड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट इन द पब्लिक अकाउंट, और आप इसे किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते. एक्सेप्ट किसके लिए, एक्सेप्ट अगर आपने बस लोन को रिकवर करना है, इसे उसी के लिए यूज कर सकते हो. सो दैट इसमें यही है कि जो स्टेट का क्या है, जो मतलब कि लिक्विडिटी बनी रहे, दिस एंश्योर गुड फिस्कल बोनस, मतलब कि आपके पास ट्रेजरी में पैसा की कमी ना हो, इसलिए ये एंश्योर करा. ठीक है, रिसेंटली क्या विद रेवेन्यू सोर्सेज ड्राइंग अप ड्यू टू द लॉकडाउन, मतलब कि अभी आपको पता है लॉकडाउन हुआ था स्टेट, मतलब कि कोविड की वजह से, तो जिसकी वजह से क्या है, जो हर एक स्टेट के पास जो पैसा था वो बहुत ज़्यादा कम पड़ गया था. तो स्टेट चाह रही थी कि सेंटर को, कि सेंटर क्या करे, कुछ ऐसे नॉर्म्स रिलैक्स कर दे, सो दैट वो क्या कर सके, जो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है उसमें जो पैसा है उसको यूज़ कर सके. ठीक है, अभी हमने क्या बोला कि CSF में से पैसा स्टेट कभी भी यूज़ नहीं कर सकती, एक्सेप्ट कब, अगर उसको लोन रिकवर करना. ठीक है, तो रिसेंटली जो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि स्टेट सेंटर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ सो दैट हम क्या कर सकें, CSF में से पैसे यूज़ कर सके, सो दैट अपनी जो हमारे रेवेन्यू की शॉर्टेज पड़े हम उसको पूरा कर सकें. फाइन, नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं. आर्टिकल 370 पहले भी था और हम डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ा, काफी बार पढ़ चुके हैं. ठीक है, अगस्त में 5 अगस्त को एक साल हो गया था 2020 में, जब हमने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 358 को क्या किया था, एब्रोगेट किया था, और हमने क्या किया था, जम्मू एंड कश्मीर को क्या करा था, रियोर्गनाइज किया था. अब हम एक बार आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ए पढ़ लेते हैं. आर्टिकल 370 में क्या था, टेम्परेरी प्रोविजन थे किसके, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो स्पेशल पावर देता था जम्मू एंड कश्मीर को कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद बना सकते हैं, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370, एक्सेप्ट डिफेंस के, फॉरन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन को छोड़ के, पार्लियामेंट को स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी अगर उन्हें कोई भी सेंटर के लॉस उस स्टेट में क्या करने हो, अप्लाई करने हो. इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 35 ए था, वो क्या करता है, वो पावर देता है जम्मू एंड कश्मीर असेंबली को कि वो अपने परमानेंट रेजिडेंट्स को डिफाइन कर सकता है और उनको स्पेशल राइट्स और प्रिविलेज दे सकता है. फाइन, तो सिंपल बात ये है, आर्टिकल 370 क्या है, उसमें स्पेशल पावर्स है जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को और उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था. और आर्टिकल 35A में जम्मू एंड कश्मीर के पास पावर है कि वो अपने परमानेंट रेजिडेंट्स को डिफाइन कर सकता है और उनको कुछ राइट्स और प्रिविलेजेस दे सकता है. फाइन, बैकग्राउंड क्या था, ये आप सबको पता ही होगा क्योंकि हमने कल का डिस्कस किया. 1948 में क्या था, इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रीटी ऑफ एसेशन साइन किया था विद द रूलर ऑफ कश्मीर, सो दैट हम क्या कर सके, कश्मीर को प्रोटेक्ट कर सके, कि कश्मीर पाकिस्तान उस पर कब्जा ना कर सके. उसके बाद जब ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन हो गया था, उसके बाद आर्टिकल 370 को हमने इंसर्ट किया था इन द पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोक्लेम करता था कि जम्मू एंड कश्मीर के पास जो प्रोविजन है, ये स्पेशल प्रोविजन है, वो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन हमने प्रोवाइड किया किसको, जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को. एज पर द आर्टिकल, सेंटर को, अगर सेंटर को अपना कोई भी लॉ जम्मू एंड कश्मीर पे इम्प्लीमेंट करना है, तो सेंटर को स्टेट गवर्नमेंट की नीड परमिशन चाहिए कुछ भी लॉज को अप्लाई करने के लिए, एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरन अफेयर्स, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, इसके अलावा जो स्टेट के जो रेजिडेंट्स हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर के जो रेजिडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ सेपरेट सेट ऑफ लॉज के अंडर रहते हैं, जैसे रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, सेपरेट उनके पास पेनल कोड है, जैसे रणबीर पेनल कोड है, फंडामेंटल राइट्स एज कम्पेयर टू अदर, मतलब कि इंडियन के जो ओवर सिटीजन है उनके अलग लॉज उन पे अप्लाई होते हैं, जबकि जो ये जो जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग रहते थे उनके कुछ ओल्ड लॉज उनके ऊपर अप्लाई होते थे, जैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर लॉ देख लो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ देख लो, या उनके अगर कोई पिनल कोड है या फंडामेंटल उनके अलग होते हैं. अगर 2019 में हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने प्रोमोलगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, जिसमें ये बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो अभी सभी प्रोविजन है वो भी स्टेट पे इक्वली एप्लीकेबल होगा. इसका मतलब यही था सिंपल कि हमारे जो इसका मतलब ये था कि जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, उस और जो उसके अंदर जो प्रोविजंस थे अब वो क्या हो गए, बिल्कुल एब्रोगेट हो गए, खत्म हो गए. और इसके साथ ही क्या, जो आर्टिकल 35A है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, स्क्रैप हो गया. इसके अलावा फिर हमने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को पास किया पार्लियामेंट के द्वारा, जिसने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करके दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया, एक तो जम्मू एंड कश्मीर जिसकी विद लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली. फाइन, अब आप ये देख सकते हो, जरा हम थोड़ा साइड में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं हम कुछ छूट तो नहीं गया. हाँ,
देखो इस मूव से क्या होएगा, देखो मतलब कि जैसे हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट था उससे क्या फर्क पड़ा, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली एप्लीकेबल होगा जम्मू एंड कश्मीर से, इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर का सेपरेट फ्लैग होगा अब वो नहीं होगा, तो जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली का जो टेनर होगा अब वो 5 साल होगा जो कि पहले के था 6 साल होता था, इसके अलावा जो वहाँ पे रणबीर पैनल कोड चलता था उसको अब बिल्कुल खत्म हो गया और वो अब वहाँ पे भी इंडियन पैनल कोड ही चलेगा। आर्टिकल 356 के अंडर जो प्रेसिडेंट रूल क्या है किसी भी स्टेट में इम्पोज हो सकता था वो अब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होगा। इसके अलावा जो सेंट्रल कोटा लॉज हैं स्कूल और कॉलेज एडमिशन के या स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में वो उनके पास भी अप्लाई होगा। इसके अलावा किसी और स्टेट में रहने वाले लोग भी अब प्रॉपर्टी जम्मू एंड कश्मीर में ले सकते हैं और इवन कि वहाँ पे भी रेजिडेंट राइट्स भी उनके पास हैं। इसके अलावा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है अब वो भी वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा जो कुछ और प्रोविजन है जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिनाइड करते हैं प्रॉपर्टी राइट्स टू नेटिव वुमेन, जो मतलब कि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर की अगर कोई वुमेन किसी और स्टेट के मैन से शादी कर ले तो वहाँ पे जो अगर वुमेन का जो प्रॉपर्टी राइट है वो उसके बाद खो जाता था, लेकिन अब अगर वो किसी और पर्सन से मैन कर ले तो अब उनके प्रॉपर्टी राइट्स खोएंगे नहीं अगर वो किसी आउटसाइड द स्टेट शादी कर ले। फाइन, हाउ डिड ये हैपन, ये हैपन कैसे हुआ, देखो ये आपको पता ही होगा अंडर आर्टिकल 371 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करके हमने क्या किया, आर्टिकल 367 को अमेंड किया। इसकी वजह को सबसे पहले हमने आर्टिकल 367 को अमेंड किया जिसकी वजह से अलाउड हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 370 क्लॉज 3 को, जिसका मतलब था टू मीन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। फिर इन इफेक्ट है आर्टिकल 370 क्लॉज 1 में क्या, हमने सबसे पहले 367 आर्टिकल को अमेंड किया टू अमेंड आर्टिकल 370 आर्टिकल 3। मतलब कि देखो सिंपल बात है, मतलब ये हमें क्या करना था 370 क्लॉज 3 को अमेंड करना था, लेकिन इसको अमेंड करने की पावर भी कहाँ थी आर्टिकल 367 में, तो हमने सबसे पहले आर्टिकल 367 को अमेंड किया, फिर इस जब हमने इसको अमेंड कर लिया तो वो पावर देती है कि हम फिर आर्टिकल 370 क्लॉज 3 को भी अमेंड कर सकते हैं, और जैसे हमने इसको अमेंड किया तो वो अलाउ करता है कि आप आर्टिकल 370 को भी रिपील कर सकते हो। ठीक है, जो काम किया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग किया और बेसिक स्ट्रक्चर का कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई, ये ध्यान रखना। राइट, अब क्या कह रहा है, डेवलपमेंट्स क्या हुई, देखो जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट है 1989 में, देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया अब इसको भी अमेंड किया, दैट इज द जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 को, सो दैट हम क्या कर सके वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को सेटअप कर सके और एक न्यू गवर्नेंस यूनिट को सेटअप कर सके जम्मू एंड कश्मीर पे, जो क्या कर सके सो दैट वहाँ पे जो 73rd अमेंडमेंट है, दैट इज आपको पता है पंचायती राज है, वो भी वहाँ पे क्या हो बिल्कुल इंप्लीमेंट हो। न्यू स्ट्रक्चर क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है वो रिप्लेस कर देगी, वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है उनको रिप्लेस करेंगी, जो कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाएगी विद एमपीज एमएलएस एंड एमएलसी एज द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर एज इट मेंबर्स। ठीक है, सिंपल बात ये कि पहले क्या होता था जम्मू एंड कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड होते थे, अब उसको रिप्लेस करके क्या जो सेटअप होगा वो होगा एक मिनट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होंगी जिसको हेड किया जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, और इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो एमपीज होंगे एमएलएज होंगे एमएलसीज होंगे और ये सब होंगे। ठीक है, नाउ जो न्यू स्ट्रक्चर होगा जिसमें जो डीडीसीज होंगी और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होंगी उनमें कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट के साथ, जिसको हेड किया जाएगा बाय चेयरमैन फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो टर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगा वो 5 साल होगा। इसका जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगी वो क्या करेगा, एंटायर डिस्ट्रिक्ट पे वो नजर रख सकती है एक्सक्लूडिंग वो एरिया जैसे म्युनिसिपैलिटी का म्युनिसिपल काउंसिल। फाइन, समझ में आया गाइस, ये हमने अपने सेपरेट न्यूज में पढ़ा था जब हमें आया था। ठीक है, सिंपल बात है, पहले क्या होता था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड होते थे जिसके अंदर क्या होता था, जिसको हेड किया जाता था कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा और उसमें जो मेंबर्स होते थे वो एमपीज एमएलएस एमएलसीज होते थे। लेकिन अब इस जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया और नया स्ट्रक्चर लेके आया, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। इसके अंदर जो होगा हर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट का, जिसको चेयरमैन के द्वारा हेड किया जाएगा और वो चेयरमैन भी उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में से ही होगा और जिसका टर्म होगा वो 5 साल होगा। ठीक है, और इसकी पावर होगी कि वो एंटायर डिस्ट्रिक्ट पे क्या करता है ज्यूरिसडिक्शन रख सकता है एक्सेप्ट म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फंक्शंस क्या होगा, ये करेगा ये क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा अप्रूव करेगा डिस्ट्रिक्ट प्लान्स को और कैपिटल एक्सपेंडिचर को। इसके अंदर जो 5 स्टैंडिंग कमिटीज होंगी, हर एक फाइनेंस से रिलेटेड होगी, एक डेवलपमेंट के लिए होगी, पब्लिक वर्क के लिए होगी, एक हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए होगी, एक वेलफेयर के लिए होगी, उनको भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल क्या होगी, हल्का पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जैसे फंक्शंस को ओवरसी करेगी जिनको सेटअप किया गया था अंडर 1989 एक्ट में। जो इनके फंक्शन होगा उनको एम्प्लीफाई किया जाएगा बाय एडिशन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, मतलब ये क्या करेंगे कुछ प्लानिंग भी करेंगी जो हैंडेड ओवर किया जाएगा डायरेक्टली टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अर्लियर जो डीडीपी होते थे वो क्या होते थे, वो एट द सेंटर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अभी सेंटर ने क्या किया, कुछ अमेंड किया लैंड लॉज भी जम्मू एंड कश्मीर में, यह भी आपको पता होना चाहिए। ये हम और चीजें पढ़ रहे हैं कि और क्या क्या हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, सेंटर ने अमेंड किया लैंड लॉज को जम्मू एंड कश्मीर में। गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट को डिफाइन करते थे उसको ओमिट कर दिया फ्रॉम सेक्शन 17 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट विच डील्स विद द डिस्पोजल ऑफ लैंड इन यूटी। ठीक है, बिफोर जब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35
ए को हमने रिपील किया, उससे पहले क्या होता था, तो नॉन रेजिडेंट थे वो वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकते थे, फाइन। इसके न्यू लॉज के अंडर के गवर्नमेंट अब क्या कर सकती है, लैंड को ट्रांसफर कर सकते हैं इन फेवर ऑफ अ पर्सन और एनी इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर और एजुकेशन। मतलब कि अब गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लैंड को क्या कर सकती है, किसी भी पर्सन को किसी भी इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर कर सकती है, अगर आपने वहाँ पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना है, ठीक है। अमेंडमेंट हाउएवर ये नहीं अलाउ नहीं करता कि वो एग्रीकल्चर लैंड नॉन एग्रीकल्चर किसको नहीं दे सकता, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा ने पास किया जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020। इसमें बिल ने क्या किया, इंक्लूड किया कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज किसकी, ऑफ द न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब कि अब इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर की वो कौन कौन सी है, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी, ठीक है। इससे पहले ओनली इंग्लिश और जो उर्दू थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी जम्मू एंड कश्मीर की। फिर पार्ट की जो अंडर आर्टिकल 343 टू 351 कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है, ये आपको पता ही होगा, ये ऑफिशियल लैंग्वेज में डील करता है। जो आर्टिकल 343 है वो स्टेट का, वो कहता है कि जो यूनियन के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारी जो, या फिर इसको यही रखते हैं, अभी हम नेक्स्ट वीडियो से हम जो डिस्कस करेंगे इंटरसेट कोर्सेज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।